हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है करुणी वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से मैं रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे प्रियजनों। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के धर्म से भी कोई जीवन मिला है मेरे प्रियजनों। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है मेरे प्रियजनों, ठीक है। यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में किले ठोके गए, 39 कोड़े लगवाए गए, मुँह पर थूका गया, कांटों का ताज बनाया गया, सिर्फ हम सभी के खातिर, सिर्फ हम सभी के खातिर। जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, हमारा परमेश्वर उसने अपने ऊपर लिया मेरे प्रियजनों। यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हो, गरीबी में हो, बीमारी में हो, उदासी में, बेचैन डरे हुए घबराए क्यों ना हो, आज आपको यीशु मसीह से बोलना है। हमें किसी इंसान से नहीं बताना है, परमेश्वर से बताना है, आपको यीशु मसीह से बोलना है। यदि आप यीशु मसीह से बोलोगे तो परमेश्वर आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर जड़ से खत्म करेगा, क्योंकि वह जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर है। ओ यीशु मसीह, आपके आंसू को देखा है, आपकी परिस्थितियाँ कैसी बुरी क्यों ना हो, यदि आप खुदाबंद यीशु नासरी के पास आए हो, यीशु मसीह के पास आए हो, परमेश्वर के पास आए हो, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आपको रिहाई करेगा, आपको चंगाई देगा। आप गरीब हैं, यदि आप किसी का हाथ फैला रहे हैं तो परमेश्वर आपको देने वाला बनाएगा, मांगने वाला नहीं, देने वाला बना देगा मेरा परमेश्वर। यदि आप विश्वास के साथ बोल रहे हो, विश्वास कर रहे हो परमेश्वर पे, तो आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि यीशु मसीह हम सभी से प्रेम करता है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मन की बातों को जानता हूँ, तेरी इच्छाओं की बातों को जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएँ हैं, क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं तुझे दूंगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर आपको देगा। मांगो, मांगते रहना है, उन अंधे भिखारियों की तरह मांगते रहना है, रुकना नहीं है, चिल्लाते रहना है, मांगते रहना है परमेश्वर से, और परमेश्वर आपको देगा। जब तक नहीं मिल रहा तब तक पुकारते रहो, मांगते रहो परमेश्वर से, मांगते रहो, एक न एक दिन परमेश्वर आपको दे देगा, दे देगा, दे देगा। वो देने वाला परमेश्वर है, यहोवा जुलावर है, वो परमेश्वर है, वो मुख का सृजनहार जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियजन, यीशु मसीह का वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यदि आप संकट संकेति में हैं, यदि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपकी बीमारियां आपके शरीर में हैं, यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट है, यदि आपको कोई सहायता नहीं कर रहा, यदि आप निराश हो, उदास हो, बेचैन हो, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यीशु मसीह को बोलना है, परमेश्वर को बोलना है, वो स्वर्गीय परमेश्वर है, आपके कामों को सफल करेगा। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हम सभी के कामों को सफल करेगा। जिन कामों में आप हाथ लगाओगे वे काम फलवंत हो जाएंगे, सुनासिर के नाम में फलवंत हो जाएंगे, सुमसी के नाम में फलवंत हो जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओगे, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आजाद करने वाला यहोवा जुलावर है। मेरे प्रियजनों, आज हमें किसी का सहारा नहीं लेना है, पवित्र जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, वचन के अनुसार जीवन जीना है। वो महान जीवित परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है, अनंत काल का जीवन देगा मेरे प्रियजनों, ठीक है। इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनना है, लास्ट तक सुनना है, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना, ठीक है। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। Hallelujah, 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 hallelujah। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते, वेलकम करते, स्वागत करते मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह, आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, जय जयकार करते मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह पिता, जो आपने मेरे परमेश्वर यीशु मसीह पिता हम सभी को जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा मेरे पिता, इसके लिए मेरे प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से पिता वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं मेरे पिता। जो आपने सभी को नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया है, छुटकारा किया है, एक नया जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है, प्रेम किया है मेरे पिता। आपने कहा है, मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है,
तू मेरा ही है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैंने तुझी पर चित्त लगाया है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा सृजनहार जीवित परमेश्वर हूँ, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, खाट पे पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं, कैंसर है, ट्यूमर है, गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, पथरियाँ हैं, टाइफाइड बुखार है, हर एक नाना प्रकार की बीमारियाँ, क्यों मेरे पिता वे आपसे बड़ी नहीं है, यीशु नासरी के नाम में ये चंगे हो जाएं, ये आजाद हो जाएं, आजादी को रसीव कर बोलकर आमीन, आजादी को रसीव कर बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, मेरे परमेश्वर ये चंगे हो जाएं, इनकी बीमारियां जाएं मेरे परमेश्वर, ये आजाद हो जाएं, जो अपनी खाट अपने आंसू से भिगो रही मेरे परमेश्वर, इनके आंसू बंद हो जाएं मेरे पिता, इनके आंसुओं को बंद करिए मेरे परमेश्वर, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, चंगाई सिखा दीजिए मेरे परमेश्वर, आप बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार करते हैं यीशु नासरी के नाम में, आप बड़े बड़े काम करते हैं मेरे पिता, आपकी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, यस हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 पवित्र, जिस प्रकार से मेरे पिता आप पवित्र हैं मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार से मेरे पिता हम सभी को भी पवित्र बनाइए पिता, ताकि आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके, आपके राज्य में जाने के लायक बन सके मेरे परमेश्वर, क्योंकि जहाँ पर आप रहते हैं वह जगह पवित्र है मेरे पिता, आप हम सभी को भी पवित्र बनाइए मेरे पिता, जो हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे पिता गलती गुनाह हुई है मेरे परमेश्वर, आप माफ़ करें, क्षमा करें मेरे परमेश्वर, आप क्षमा के योग्य हैं मेरे परमेश्वर, आप ही के पास क्षमा का अधिकार है, आप क्षमा दान कीजिए मेरे परमेश्वर, आप हर एक पापों को गुनाह को क्षमा करने ले जीवित परमेश्वर पिता, आप माफ़ कीजिए पवित्र आत्मा जी, आप महान है मेरे परमेश्वर, हर एक पापों को मिटा दीजिए मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार हम सभी के ऊपर अनुग्रह कीजिए पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सभी के अपराधों को गुनाहों को मिटा दीजिए मेरे परमेश्वर, यीशु नासरी आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, पवित्र 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 पवित्र, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के यीशु पापा हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु पापा आपकी बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर उन बहनों के लिए जिन बहनों के बच्चे नहीं होते मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें बच्चा चाहिए मेरे परमेश्वर, बच्चे की आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर, जो बंद कोखे पड़ी मेरे परमेश्वर बंद कोखे खुल जाए यीशु नासरी के नाम में, बंद का कोखे खुल जाए मेरे परमेश्वर, इन्हें बच्चे की आशीष दीजिए यीशु नासरी के नाम में, बच्चे की आशीष आने पाए मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो शैतान जो दुष्ट आत्मा गंदी आत्मा बद्रोही आत्मा मेरे परमेश्वर इनके घर में अटैक करिए पिता, हर एक जनों के ऊपर अटैक करिए, जो खाया पिलाया बाहर आ जाए यीशु नासरी के नाम में, आजाद हो जाए, हर एक गंदी बद्रोही दुष्ट आत्माएं इनके घरों से इनके जीवन से भाग यीशु नासरी के नाम में, हर एक खाया पिलाया बाहर यीशु नासरी के नाम में ये आजाद हो जाए, हर एक जादू टोना को मैं जलाता हूँ, हर एक जादू टोना की गंदी स्पिरिट को मैं जलाता हूँ, मैं जला के राख करता हूँ यीशु नासरी के नाम में, हर एक जादू टोना को मैं जला देता हूँ, हर एक जादू टोना को मैं जला देता हूँ, मैं राख कर देता हूँ और ये आजाद होने पाए, जिन आशीषों को गंदी आत्माएं चुराती हैं और आशीष को चुराने वाली गंदी आत्माओं को मैं डांटता हूँ, उन गंदी स्पिरिट को मैं डांटता हूँ, मैं काटता हूँ उन बंधनों को, ये आजाद हो जाए, आजादी को रसीव कर बोलकर आमीन, मेरे परमेश्वर ये आजाद हो जाए, ये रिहा हो जाए, ये चंगे हो जाए, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो कमाने वाले नहीं मेरे परमेश्वर, जो 100-200 रुपये पर पिता, 1000 रुपये पर पिता उधार ले रहे हैं, सहायता मांग रहे किसी से मेरे पिता, सबको छोड़ छाड़ के मेरे प्रभु आपके पीछे आए मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे परमेश्वर, ये आपके पीछे आए मेरे पिता, आप इन्हें भोजन खिलाइए, कपड़ा दीजिए, पैसे दीजिए, कमी घटी ना होने पाए, ये मांगने वाले नहीं मेरे पिता, इनके हाथ देने लगे बनाइए यीशु पापा, इनकी गरीबी दूर हो जाए परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे, मेरे पिता मैं मांगता हूँ, ढूंढता हूँ, खटखटाता हूँ, तमाम मसीह भाई बहनों के लिए इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम में, दूर हो जाए मेरे परमेश्वर, ये बहुत तेरी जातियों को उधार देने बन जाए, ओ सुर के सुर के खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए, ओपन द डोर, बंद आशीषों के दरवाजे खुल जाए यीशु नासरी के नाम में, मेरे परमेश्वर उनके हाथ देने बनाइए यीशु राजा, मेरे पिता आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, तारीफ करते, जय जयकार करते, यस हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु,
पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं, आप राजाओं के राजा हैं मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जिन पति पत्नियों के बीच में लड़ा झगड़ा होता है मेरे परमेश्वर, ये टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं मेरे परमेश्वर, इनके बीच का जो लड़ाई झगड़ा की गंदी आत्मा जो काम करती है, मैं डांटता हूँ उस गंदी आत्मा को, मैं डांटता हूँ यीशु नासरी के नाम में। हर एक गंदी आत्मा इनके जीवन से चली जाए, हर एक लड़ाई झगड़े की गंदी आत्माएं इनके जीवन से भाग जाए मेरे परमेश्वर। ये रिहा हो जाए, रिहा हो जाए, आजाद हो जाए, रिहा हो जाए, आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु नासरी के नाम में, बोलकर आमीन। चंगे हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन यीशु नासरी के नाम में मेरे परमेश्वर। स्वर्ग के झरोखे इनके घरों पर खुल जाए आज की रात यीशु नासरी के नाम में, स्वर्ग के झरोखे खुल जाए आज की रात यीशु नासरी के नाम में, और ये आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। जिन हाथ काम में हाथ लगाए वे काम फलवंत हो जाए यीशु नासरी के नाम में, वे काम फलवंत हो जाए यीशु नासरी के नाम में। जो शैतान जो दुष्ट आत्मा बुद्धि को विचलित करती है, मन को भरमाती है, मैं डांटता हूँ उस गंदी स्पिरिट को, मैं डांटता हूँ विचार गंदी आत्मा को, मैं डांटता हूँ जादू टोनों को, मैं जलाता हूँ गंदी स्पिरिटों को, मैं जलाता हूँ जादू टोने की गंदी आत्माओं को, मैं जलाता हूँ उस ब्लैक मैजिक को। आपके ऊपर से काला जादू कट गया है, वो जल गया है यीशु नासरी के नाम में, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। रिसीव कर बोलकर आमीन प्राण को, रिसीव कर बोलकर आमीन यीशु नासरी के नाम में मेरे परमेश्वर। में प्रार्थना करता हूँ जितनी हमारे मसीह भाई बहन मेरे परमेश्वर, जो रात में सोने से डरते हैं, गंदी आत्माएं सताती हैं, गंदे सपने आते हैं मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना मेरे पिता। मुझे आशा विश्वास है पिता आपने प्राणों को सुना है, ये छोटी स्मृति उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।